बिल्कुल एक कैलकुलेटेड तरीके से ये CAA पहले असम में NRC को गलत तरह से इंप्लीमेंट करके इन्होंने गरीबों को मतलब जो देश में रहने वाले नागरिक आपके चाहे आर्मी के जनरल क्यों ना हो उनको भी रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। 30 लाख में जब इनको पता चला 13 लाख तो नॉन मुस्लिम है और वो हिंदुओं को कैसे फिर बचाया जाए, नहीं तो आपके वोट में कमी हो जाएगी। तो ये CAA ले आए और CAA में क्या रहा है? आपके जो नेबरिंग देश है 3 देश उनके जो ये भी नहीं कहते रिलीजियस माइनॉरिटी या परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, नाम से हिंदू सिख बुद्धिस्ट पारसी ये बस कौन नहीं होंगे मुसलमान। और सिर्फ ये 3 देश क्यों, बाकी जो आपके नेबरिंग देश है वो क्यों? सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कोई पार्टीशन का कोई नतीजा नहीं था, म्यांमार को छोड़ दिया, श्रीलंका को छोड़ दिया, चाइना को छोड़ दिया, क्या उनके वहां के रहने वाले इंसान इंसान नहीं होते क्या? ये क्योंकि उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ रोहिंग्या है, तमिल माइनॉरिटी है, चाइना में जो है मुस्लिम माइनॉरिटी उनके साथ जो जबरदस्त प्रोसिक्यूशन चल रहा है और UN भी कह चुका है कि जबरदस्त प्रोसिक्यूशन चल रहा है उनके लिए आपका दिल नहीं धड़कता है। असल में साथियों इनका दिल किसी के लिए नहीं धड़कता है, इनका दिल ही नहीं है। दिल होता इंसान होते तो इंसानों के साथ ये सलूक नहीं कर पाते। इनमें इंसानियत की एक बूंद नहीं है। हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल करके तोड़ मरोड़ के ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई रिश्ता ना करेंगे। हमारे यहाँ एक बेसिक चीज है, आप नाम कुछ भी लो, ईश्वर अल्लाह कुछ भी कहो, भगवान एक ही होता है और भगवान बराबरी में रूटेड होता है, इक्वालिटी इक्वालिटी समता में। ये गीता में हर जगह लिखा है, हर चैप्टर में लिखा है। इन्हें ना तो हिंदू धर्म की समझ है और ना इनको किसी को समझने देना है। लोगों को बेकार दखलअंदाजी चीजों में लगा के बेवकूफ बना के नफरत फैला के ये अपनी राजनीति फसल काटना चाहते हैं। तो ये है सच्चाई का। अब ये सच्चाई कैसे लोगों के सामने आए? जानिया के बहादुर लड़कियों ने और लड़कों ने किस तरह से जब लाइब्रेरी में अटैक हुआ उसके बाद लोगों को समझ आ गया कि चाहे आप बोलेंगे चाहे आप नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप पढ़ते रहेंगे तब भी वो आपको छोड़ने नहीं वाले। इसलिए बोलना जरूरी है। अगर हमको ये नतीजा बदलवाना है और जर्मनी वाला हाल हमें नहीं चाहिए, नहीं करना है, तब हमें हम सबको हमको हमारे बच्चों को हमारे माँ बाप को हमारे दादा दादी को सबको बोलना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम लगातार सड़कों में रहेंगे जैसे शाहीन बाग की हमारी महिलाएं जो जाती हैं बहादुर महिलाएं, वो असल में दुर्गा का रियल स्वरूप ये नहीं जो मंदिरों में आप ढोंग करते हैं, वो महिला पावर है। और ये जो हमारे स्टूडेंट जिस तरह से आगे आए हैं, जामिया की 8 लड़कियों ने रजीश के प्रोग्राम में जाके कहा हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, जो हमारे साथ हुआ कोई नहीं सुन रहा है, तो रजीश ने कहा बताइए। और जब लड़कियों ने समझाया इतने बेहतर तरीके से समझाया कि एज ए टीचर मैं मतलब एकदम मुझे इतनी प्राइड हुई, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे चलो कुछ तो हमने किया होगा पढ़ाई लिखाई में, तो बच्चों की ये समझ बन गई है और ये समझ को दुनिया के सामने रख रहे हैं। और यही समझ जो है अब हमको समझ आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज को ख़त्म क्यों करना चाह रहे थे। क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं सही मायने में, उनकी समझ उनके सवाल पूछने की जो क्षमता है, उनका जो अपना बिना डर के अपनी बात रखने की जो क्षमता है, जो क्लैरिटी आती है आपकी समझ में, वो तभी आती है जब आपको इस तरह की ट्रेनिंग मिली है और आप साथ के बेसिस पे अपनी समझ के अपनी आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे लोगों को बता सकते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये चीज़ इस चीज़ से हमें बहुत गर्व होता है। साथियों ये जो चिंगारी भर्ती है, जब यहाँ पे इस तरह का बर्बरता का अटैक हुआ और उसके बाद पूरे देश में सारी यूनिवर्सिटी में वो छात्र तो कभी नहीं निकलते थे,
जो अपने आप को गैर राजनीतिक मतलब गैर राजनीतिक कहते हैं, मतलब वो एपॉलिटिकल कहते हैं, वो भी निकल के आए, हर तरह के लोग निकल के आए। जब यहाँ के लोगों को बंद कर दिया था, कालका जी पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स को बंद किया था, होलिका उलिका घसीट घसीट के बच्चों को बंद किया था, और एक और पुलिस स्टेशन में बंद किया था, ये यूथ एज कॉलोनी, स्पॉन्टेनियसली आईडीओ की पुलिस हेडक्वार्टर्स में कम से कम 1,00,000 लोग जमा हो गए, सारे यूनिवर्सिटी से आए, और जो लोग आम लोग कहीं से भी जैसे उनको पता चला वो एक चालान की तरह आते जा रहे थे, और पुलिस ने डर के फिर कुछ लोगों को अंदर बुलाया कि भैया क्या करें। हमने कहा एकदम छोड़िए, सारे स्टूडेंट्स को छोड़िए, कोई किसी के खिलाफ केस नहीं होगा, और इसके ऊपर पूरी जांच, निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है, और हम खुद जाके देखेंगे, डेलीगेशन आएगा, मनीषा सेठी मेरे साथ थी, हम जाके देखेंगे कि आपने जामिया से पुलिस को हटाया है कि नहीं हटाया है। मैं आपके वाइस चांसलर की भी तारीफ करना चाहती हूँ, तो अलीगढ़ के वाइस चांसलर की तारीफ मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपके वाइस चांसलर ने तुरंत ये बयान दिया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, और ये जो पुलिस ने किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, और इस पर पूरी इंक्वायरी होगी।